टुडे विल बी टीच विकास मैथ्स मैजिक वर्कबुक स्टैंडर्ड टू। आज के वीडियो में मैंने इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करवाया था। आज के वीडियो में मैं आपको ये समझा रही हूँ, आपको घर पे करना है। अंडरस्टैंड एंड राइट द आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे कंटेंट नीडेड टू प्रिपेयर वन ग्लास लेमन का बनाना है, उसमें कितना चाहिए? 1 ग्लास वाटर चाहिए, 3 स्पून शुगर चाहिए, 1 पिंच सॉल्ट चाहिए, 1 पिंच सॉल्ट चाहिए, 15 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस यानी हाफ लेमन चाहिए, 1 गिलास नींबू पानी बनाने में। ओके, तो इसमें हमको इसके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे। ओके, वो आपको अपने आप करना है, ठीक है। यहाँ पे पहला मैं आपको बता रही हूँ, हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड प्रिपेयर 2 ग्लास ऑफ लेमन। 2 गिलास वाटर बनाने के लिए, 2 गिलास लेमन बनाने के लिए हमको कितना वाटर चाहिए? तो 1 गिलास में कितना चाहिए? 1, तो 2 में कितना चाहिए होगा? 2 गिलास वाटर। ओके, फिर हाउ मैनी स्पून ऑफ शुगर रिक्वायर्ड प्रिपेयर 3 ग्लासेस ऑफ लेमन। 3 ग्लासेस लेमन बनाने के लिए कितनी शुगर चाहिए? तो 1 ग्लास लेमन बनाने के लिए हमको चाहिए 3 स्पून, तो 3 ग्लास में 9 स्पून। ओके, हाउ मैनी ड्रॉप ऑफ लेमन जूस रिक्वायर्ड प्रिपेयर 2 ग्लास ऑफ लेमन। तो हाफ लेमन 1 ग्लास में, तो 1 लेमन 2 ग्लास में। ओके, हाउ मैनी पिंचेस सॉल्ट रिक्वायर टू प्रिपेयर 3 ग्लासेस ऑफ लेमन। तो 3 पिंचेस ऑफ सॉल्ट। 1 ग्लास में कितना चाहिए हमको सॉल्ट? 1 पिंच, तो 3 ग्लास में 3 पिंच। ओके, हाउ मैनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम वूल लेमन इफ 15 ड्रॉप आर ऑप्टेन एंड हाल्फ लेमन, तो 30 ड्रॉप, इसमें 15 ड्रॉप है हाल्फ लेमन में, तो ओके यहाँ पे लिखा हुआ कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम वन वूल लेमन 50 ड्रॉप ऑप्टेन फ्रॉम हाल्फ लेमन। हाउ मैनी ड्रॉप ऑफ लेमन जूस कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम वन वूल, 1 वूल में कितने ड्रॉप्स होंगे? 30 ड्रॉप्स। ओके, उसके बाद हाउ मच टू पेव राइट आंसर टू क्वेश्चन बिलो। इसी तरह से आपको ये करना है कि 1 स्मॉल ग्लास शुगर कैन का प्राइस कितना है और 1 बिग ग्लास शुगर कैन जूस का प्राइस कितना है, उसके बेस पे यहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये आपको अपने आप करना है। ओके चिल्ड्रन, ये आपको अपने आप सॉल्व करना है। उसके बाद उसी के बेस पे ये सारे क्वेश्चन है वो आपको करना है, ये आपको घर पे करना है। मिक्सचर एंड विशुअल विशलेस फील्ड विथ वाटर गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन ऑन इट बेडजिक। ये आपको अपने घर पे करना है। ओके, आपको इसमें में क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिए उसमें आपको आंसर बताया वो आपको खुद करना है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिए है उसके आंसर आपको इनसे करना है कि हाउ मैनी शुड बी पेड 2 स्मॉल ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस, यानी कितना पे करना पड़ेगा 2 ग्लास शुगर केन के लिए। तो 1 ग्लास का कितना है? 5 रुपीज़, तो 2 ग्लास का कितना आएगा? 10 रुपीज़। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद हाउ मैनी रुपीज़ शुड बी पेड 2 बिग ग्लास ऑफ शुगर केन, 2 बिग ग्लास के लिए हमको कितना पे करने का? तो 1 ग्लास के लिए 10, तो 2 ग्लास के लिए 20 रुपीज़। ओके, उसके बाद हाउ मैनी रुपीज़ विल अ स्मॉल ग्लासेस एंड बिग ग्लासेस शुगर कैन जूस, तो स्मॉल ग्लास का कितना है 5 रुपीज़ और बिग ग्लास का कितना है 10 रुपीज़। ओके, हाउ मैनी रुपीज विल 2 स्मॉल ग्लासेस एंड बिग ग्लासेस शुगर कैन जूस कॉस्ट, हाउ मैनी रुपीज विल 2 स्मॉल ग्लास का 10 रुपीज़ एंड बिग ग्लास का 10 रुपीज़। ओके, और बिग ग्लास का 10 रुपीज़ और 2 स्मॉल का 10 रुपीज़। उसके बाद हाउ मैनी रुपीज शुड बी पेड फॉर अ स्मॉल ग्लास एंड बिग ग्लास ऑफ शुगर कैन, तो 5 रुपीज़ स्मॉल ग्लास एंड 20 रुपीज़ ऑफ 2 बिग ग्लास। हाउ मैनी रुपीज विल 3 स्मॉल ग्लास शुगर कैन जूस, तो 3 स्मॉल का कितना हुआ? 1 का 5, तो 3 का कितना हुआ? 15। ओके, हाउ मैनी रुपीज विल 3 बिग ग्लासेस शुगर कैन, तो 3 का कितना हुआ? 1 का 10 रुपीज, तो 3 का 30 रुपीज। ओके, हाउ मैनी रुपीज शुड बी पेड ऑफ 3 बिग ग्लास एंड स्मॉल ग्लास ऑफ 30 रुपीज ऑफ 3 बिग ग्लास एंड 5 रुपीज फॉर 1 ग्लास। हाउ मैनी रुपीज विल देयर स्मॉल ग्लास एंड बिग ग्लास ऑफ शुगर कैन जूस, टू 15 रुपीज़ फॉर 3 स्मॉल ग्लास एंड 10 रुपीज़ फॉर अ बिग ग्लास। ओके, उसके बाद हाउ मैनी रुपीज शुड बी पेड 2 स्मॉल ग्लासेस 3 बिग ग्लासेस शुगर कैन, तो 2 स्मॉल का 10 रुपीज़ और 3 बिग ग्लास का 30 रुपीज़। ओके, ये आपको क्वेश्चन का आंसर अपनी बुक में करना है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नीचे वाला अपने क्वेश्चन फाइव आपको अपने आप सॉल्व करना है। ओके चिल्ड्रन, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके आगे का एडिशन आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। आज के वीडियो में आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है वर्कबुक में। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।